हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। हाँ तो गाइज, वो चीज़ हो चुकी है जो कि काफ़ी कम ही लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी कि कोडी रोड्स लगातार दूसरी बार जीत चुके हैं मेंस रॉयल रंबल मैच। एंड उन्होंने मैच जीतने के बाद पॉइंट कर दिया रोमन रेंस पर, जो कि बैठे हुए थे स्काई बॉक्स में। यानी कि गाइज, हमें कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस के बीच अगेन मैच देखने को मिलने वाला है अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। लेकिन गाइज, रॉयल रंबल के बाद कोडी रोड्स ने कुछ कह दिया है बड़ा रोमन रेंस के बारे में। एंड रॉक कब क्या होने वाला है, क्या रॉक वर्सेस रोमन नहीं होने वाला, सारी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। लेकिन इससे पहले मैं फटाफट से आप सबको पूरे रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट के रिजल्ट्स बता देता हूं। तो हमें रॉयल रंबल की स्टार्टिंग ही करते हुए दिखते पैट मैकफी, बिल्कुल लास्ट ईयर की तरह वो आए हुए थे अगेन एक स्पेशल कमेंटेटर के रूप में, लेकिन बाद में वो मैच में भी उतरते, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उसके बाद शुरू हमें होते हुए दिखता है विमेंस रॉयल रंबल मैच, नंबर वन पर आते हुए दिखती है नटालिया, नंबर टू पर देखने को मिलता है रिटर्न जो कि था नायोमी का, जिन्हें क्राउड की तरफ से काफी अच्छा रिएक्शन मिलता है। वहीं इस मैच में हमें टीएनए नॉकआउट चैंपियन जो कि है जॉर्डन ग्रेस, वो भी हमें देखने को मिली अपनी चैंपियनशिप के साथ। मैच में कई सारे एनएक्सटी के सुपरस्टार्स भी रहते हैं। और एक फनी मोमेंट ये भी आता है कि जब सारा लोगन की एंट्री होती है तो वहां पर हमें देखने को मिल जाते हैं आर ट्रूथ, एंड वो अगर देखते यहाँ पर तो सारी वुमेन से फिर उन्हें समझाया जाता है कि तुम्हारी एंट्री मेंस रॉयल रंबल मैच में होने वाली है, ना कि वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में। फिर वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमें मैच में दो और बड़े सरप्राइजेस देखने को मिलते हैं। पहला देखने को मिलता है जेड कारगिल का डेब्यू, एंड सेकंड देखने को मिलता है लिम मॉर्गन का रिटर्न जो कि नंबर 30 पर आती है। जेड कारगिल ने मैच में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उनका कन्फ्रंटेशन हमें बैकी लिंच के साथ भी देखने को मिलता है, बियंका बेलर के साथ देखने को मिलता है, नाया जैक्स को एलिमिनेट भी किया अकेले जेड कारगिल ने। वहीं बैकी लिंच तो पहले ही एलिमिनेट हो जाती है, लेकिन फाइनल थ्री में हमें बसते हुए दिखती है बेली, लिम मॉर्गन एंड जेड कारगिल, जिसके बाद लिम मॉर्गन हमें एलिमिनेट करते हुए दिखती है जेड कारगिल को, और फाइनली बेली एलिमिनेट करते हुए दिखती है लिव मॉर्गन को एंड जीत जाती है विमेंस रॉयल रंबल मैच। यानी कि इस साल की विमेंस रॉयल रंबल मैच की विनर रही बेली। अब लेट्स सी कि क्या वो इयो स्काई को चुनती है या फिर चुनती है रिया रिप्ली को। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच, रोमन रेंस वर्सेस एलए नाइट वर्सेस एजे स्टाइल्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच एक फैटल फोर वे मैच। वहीं मैच की बात कर ली जाए तो स्टार्टिंग में तीनों ही मिलकर हमें सबसे पहले रोमन रेंस को ही टारगेट करते हुए दिखते हैं, फिर सारे आपस में भिड़ जाते हैं। मैच में बीएफटी भी पड़ते हुए दिखता है, रोमन रेंस पर स्टाइल्स क्लैश भी पड़ते हुए दिखता है। लेकिन गाइस, जब रैंडी ऑर्टन सभी को आरकीओ लगा देते हैं एंड वो पिन करने वाले थे रोमन रेंस को, और लग रहा था कि अब रोमन रेंस के पास से जाने वाली है चैंपियनशिप, तभी वहां पर हमें देखने को मिल जाते हैं सोलो सिकुआ, एंड आकर समवन स्पाइक लगाते हैं रैंडी ऑर्टन एंड एलए नाइट पर। बट रिंग साइड में जब वो अटैक करने जा रहे थे एजे स्टाइल्स पर, देन एजे स्टाइल्स वहां से हट जाते हैं और सोलो सिकुआ जाकर टकरा जाते हैं बैरिकेड में। एंड फिर रोमन रेंस वापसी तो करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें फिनोमिनल फोरआर्म पड़ते हुए दिखता है, और जब एजे स्टाइल्स तीनों को एक साथ पिन करते हैं देन तीनों ही कर देते हैं किक आउट। उसके बाद हमें एजे स्टाइल्स चेयर का यूज करते हुए दिखते हैं, एंड वो चेयर के सहारे अटैक करते हैं रोमन रेंस पर, एलए नाइट पर और रैंडी ऑर्टन पर। बट फिर सारे सुपरस्टार्स हमें करते हुए दिखते हैं वापसी, रैंडी ऑर्टन आरकीओ लगाते हुए दिखते हैं एजे स्टाइल्स को, एलए नाइट को, फिर हमें रोमन रेंस बाहर करते हुए दिखते हैं, एंड एट द एंड वो एजे स्टाइल्स को स्पीयर लगाकर पिन करते हैं और रिटेन कर लेते हैं अपनी चैंपियनशिप। यानी कि गाइस, रोमन रेंस स्टिल है आपके अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच, लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवेंस के बीच। मैच काफी अच्छा चलता है, बट एट द एंड हमें फिर से लोगन पॉल का फ्रेंड अपनी इंटरफेरेंस करने की कोशिश करते हुए दिखता है, लेकिन रेफरी उसे देख लेता है और भेज देता है बाहर। लेकिन फिर वहां पर हमें देखने को मिलते हैं ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर, जो कि आकर ब्रास नकल देते हैं लोगन पॉल को। लेकिन इससे पहले कि उसका वो यूज कर पाए, केविन ओवेंस हमें उनसे छीनते हुए दिखते हैं, और उसका यूज कर हमें केविन ओवेंस नॉकआउट पंच लगाते हुए दिखते हैं लोगन पॉल पर। होने लगता है पिन, सभी को लगता है कि अब तो भाई चली गई है चैंपियनशिप, लेकिन रेफरी देख लेता है केविन ओवेंस के हैंड में ब्रास नकल और कर देता है मैच को डिस्क्वालिफिकेशन में एंड। और सभी बोल रहे हैं कि भाई इस रेफरी को तो अवार्ड देना चाहिए, ये रोमन रेंस के मैचेस में रहना चाहिए। लेकिन मैच के बाद हमें केविन ओवेंस काफी बुरी तरह से अटैक करते हुए दिखते लोगन पॉल पर, उन्हें अनाउंसर्स टेबल्स पर भी पटकते हुए दिखते हैं। यानी कि अभी तक सब कुछ खत्म नहीं हुआ है इनके बीच, इनका रीमैच हमें जरूर से देखने को मिलेगा। और फाइनली आता है अपना मेन इवेंट जो कि है मेंस रॉयल रंबल मैच। एंड गाइस, नंबर वन पर हमें देखने को मिलते हैं मेन इवेंट जेउसो, नंबर टू पर हमें देखने को मिलते हैं उनके ब्रदर जीबी उसो। और भाई, ये काफी कमाल का मूवमेंट था, रेसलमेनिया लग रहा था जल्दी आ चुका है। लेकिन ये दोनों स्टार्टिंग के एक दो मिनट ही जो लड़ते, उसके बाद इन दोनों के बीच हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। वहीं सरप्राइज के बारे में कर ली जाए बात, देन इस मैच में हमें अंड्राडे का रिटर्न देखने को मिला, ओमास का रिटर्न देखने को मिला, सैमी ज़ेन का रिटर्न देखने को मिला नंबर 30 पर, और पैट मैकफी भी थे इस मैच में। लेकिन वो जैसे ही रिंग के अंदर आते, वो देखते ओमास को और डर कर चले जाते हैं बाहर, यानी कि खुद से ही कर लेते अपने आप को एलिमिनेट। वहीं बात कर ली जाए रॉयल रंबल मैच की एंडिंग की, देन फाइनल फोर में हमें बसते हुए दिखते हैं ड्रू मैकएंटायर, गुंथर, सीएम पंक एंड कोडी रोड्स, जिसके बाद सीएम पंक हमें एलिमिनेट करते हुए दिखते हैं ड्रू मैकएंटायर को, कोडी रोड्स एलिमिनेट करते हुए दिखते हैं गुंथर को, और एंड में बसते सीएम पंक एंड कोडी रोड्स,
और इनके बीच तो लग रहा था भाई मैच ही चल रहा है, क्योंकि काफी लंबे टाइम से ये दोनों एक दूसरे को एलिमिनेट करने का ट्राई कर रहे थे लेकिन ये हो नहीं रहा था। बट एट दी एंड हमें सीएम पंक कोडी रोड्स को ये बोलते हुए दिखते हैं, मैंने 10 साल इस चीज का वेट नहीं किया है कि मैं आकर डस्टी के बेटे से हारूंगा, जिसके बाद कोडी रोड्स हमें एलिमिनेट करते हुए दिख जाते हैं सीएम पंक को। और बैक टू बैक रॉयल रंबल जीत चुके हैं कोडी रोड्स, जो कि काफी कम ही लोग कर रहे थे एक्सपेक्ट, जिसके बाद सभी के मन में यही क्वेश्चन था कि आखिर अब कोडी रोड्स किसे चुनने वाले। लेकिन गाइस स्काई बॉक्स में बैठे हुए दिखते हैं सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस दोनों, लेकिन कोडी रोड्स पॉइंट करते हुए दिखते हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंस पर। सो कोडी रोड्स ने यह बात साफ कर दिया है कि वो अगेन चुन रहे हैं रोमन रेंस को, और इस बार वो करने वाले अपनी स्टोरी फिनिश रेसलमेनिया 40 में। और रॉयल रंबल के बाद गाइस हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिलता है, जहां पर कोडी रोड्स हमें ये चीज बताते हुए दिखते हैं कि आखिर क्यों उन्होंने सेथ रॉलिंस को नहीं बल्कि रोमन रेंस को चुना। तो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मेरे दिल में काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है, बट रेसलमेनिया 39 में जो मेरे साथ हुआ है मैं अभी तक उसे नहीं भूल पाया हूं, मुझे रोमन रेंस कहीं भी किसी भी हालत में फिर से चाहिए मेरे सामने। और गाइस यही रीजन था जिसकी वजह से कोडी रोड्स ने बिना सोचे समझे पॉइंट कर दिया रोमन रेंस पर। और देखकर तो लग रहा है इस बार कोडी रोड्स करने वाले अपनी स्टोरी फिनिश, और इसमें भाई WWE 2K24 गेम का भी काफी बड़ा हाथ है, बिकॉज कोडी रोड्स उसके कवर पोस्टर में और थीम भी है फिनिश दिस स्टोरी वाला। वहीं अब रॉक का क्या होगा वही लोगों के मन में आ रहा है सवाल, तो देखकर तो लग रहा है कि रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच नहीं होने वाला मेन इवेंट में। बट हाँ गाइस ये WWE है, यहाँ कुछ भी हो सकता है रोमन रेंस हमें डबल ड्यूटी करते हुए दिख जाए रेसलमेनिया में, जो कि पहले अपडेट आ रही थी कि नाइट 1 में वो हमें रॉक को फेस करते हुए दिख सकते हैं, नाइट 2 में कोडी रोड्स को, या फिर ये हो सकता है रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच हमें रेसलमेनिया नहीं बल्कि कहीं और ही देखने को मिले, जैसे कि एलिमिनेशन चैंबर या फिर किसी सऊदी के इवेंट में। सो अब आगे क्या कुछ होने वाला है इससे रिलेटेड जरूर से अपडेट आएगी, और जो भी अपडेट आती है वो तो मैं आप सबको बता ही दूंगा। वैसे आप रॉयल रंबल की इवेंट को 5 में से कितने स्टार देना चाहोगे वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।